लेकर आए हम रॉयल इनफील्ड के शोरूम पर जानदार और शानदार बाइक लेकर, जिसका नाम है रॉयल इनफील्ड की गरीला, जो कि प्रॉपर वॉक राउंड के साथ अब करते हैं एक्सप्लोर। सो चलते हैं और आपको दिखाते हैं न्यू बाइक। और डीलरशिप का नाम है वो है बालाजी मोटर्स, जो कि है SBI बैंक के सामने और नियर अनाज मंडी के साथ। और अब करते हैं एक्सप्लोर, चलते हैं, लेट्स गो। की तरफ से आने वाली बाइक न्यूली गरिला 450 सीसी में काफी दमदार बाइक है, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। अब जो कि दिखने में काफी मस्कुलर लुक और डिजाइन के वेरिएंट है, ओल्ड रोस्टर बाइक है। टोटल इसमें येलो रिबन, एक बेवा ब्लू जो कि मिड सेगमेंट है, ये है मिड सेगमेंट, प्ले ब्लैक जो कि मिड सेगमेंट है, एक वेरिएंट और आता है जो कि मिड में आता है, वो है गोल्ड डिप। जो मिड सेगमेंट आता है वो है स्मोक में आता है। आज बात करने वाले हैं टॉप एंड मॉडल की, जो कि आपके सामने है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत वेरिएंट है, जो कि टॉप एंड मॉडल है। और आपका तेज के फीचर के बारे में और इसके प्राइस, फीचर और क्वालिटी, देखते हैं कैसी बाइक रहती है। देसी भाषा में कहे तो ये प्योर रोस्टर बाइक है, जो कि कीचड़ में, धूल मिट्टी या उबड़ खाबड़ रोड पर चल जाए, डिजाइन के साथ आई है। अब बात करें इसके परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी और इसके फीचर की। फ्रंट से लुक देखे तो काफ़ी सिमिलर और काफ़ी खूबसूरत बाइक बनाई है। और इसका डिजाइन लैंग्वेज की बात करें, काफ़ी शानदार डिजाइन और लुक के साथ आई है। और बिग साइज टायर, बिग साइज ग्रिल और दिखने में काफ़ी शानदार और जानदार बाइक होने वाली है। दिखने में काफ़ी सिंपल की है, जो कि रॉयल इनफील्ड की बैजिंग और काफ़ी खूबसूरत। ये देखें तो ये है रॉयल इनफील्ड की बैजिंग, इससे दर्शाता है कि ये बाइक रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाली गरिला बाइक है, जो कि 450 में है, जो कि काफ़ी दमदार इंजन के साथ आई है। और प्रोजेक्टेड हेडलैम्प है, जो कि थ्रो कुछ इस तरह का है, जो दिखने में नाइट व्यू में काफ़ी अच्छा रहता है। कि ये हजार लाइट के साथ पेश की है, जो कि LED टर्न इंडिकेटर के साथ है, जो कि फोक में काफ़ी सहायक रहता है। आमतौर पर बात करें, ये सोवा के सस्पेंशन है, जो कि आमतौर पर में यूज होते हैं सोकर, उसी कंपनी से रिलेटेड सोकर है, जो कि सोवा की बैजिंग देख सकते हैं आप, जो कि है टेलीस्कोपिक सोकर है। अब ये रिफ्लेक्टर, जो कि 140 mm ट्रेवल। जो फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें, ABS में डिस्क ब्रेक है, जो कि बात करें इसकी साइज की, वो साइज है 320 mm के बिग साइज। और ये डिस्क आप देख सकते हैं अलॉय, ये है डार्क ब्लैक अलॉय है। जो टायर साइज की बात करें, 120/70R17 का टायर है, जो कि ट्यूबलेस टायर है। विथ देखें, इसका जो टायर साइज
देखे तो काफी हैवी टायर है यूज किया गया है, जो कि काफी हैवी फाइबर यूज किया गया है। फ्रंट से लुक कुछ इस तरह का है। बात करें साइड लुक की, ये रिफ्लेक्टर लिक्विड कूल रेडिएटर के साथ है, जो कि लॉन्ग रूट पर जाते हो तो बाइक को कूल रखता है। अब बात करें इंजन की, पावरफुल जो इंजन की बात करें वो है 452 सीसी का इंजन है। जो मैक्स पावर की बात करें 440 PSK पावर, और टॉर्क की बात करें वो है 40 Nm का टॉर्क जनरेट कर, कंपनी क्लेम करती है वो है 29.5 KMPL की माइलेज क्लेम करती है। कर्व वेट है वो है 185 kg का कर्व वेट है। भाई अब इसकी व्हील बेस की बात करें, वो व्हील बेस है वो है 1440 mm की व्हील बेस है। जो हाइट की बात करें वो हाइट है इसकी 1125 mm की हाइट है। जो सीट हाइट की बात करें वो है 780 mm की इसकी सीट हाइट। ये रियर ब्रेक, ये फ्रंट फुटरेस्ट जो कि रॉयल एनफील्ड की बैजिंग, ये रियर फुटरेस्ट, मास्क सेंट्रलाइज साइलेंसर है, कुछ इस तरह का साइलेंसर है। ये डिस्क ब्रेक की बात करें वो है 300 mm की डिस्क ब्रेक है, और ये ABS में डिस्क ब्रेक है। रियर सस्पेंशन की बात करें मोनोशॉक सस्पेंशन है, जो कि अपने अकॉर्डिंग इसको अपनी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर की लगाकर अपनी सीट को निकाल सकते हैं ग्रैब हैंडल। अब रियर की बात करें, एक साइड इंडिकेटर जो कि LED में है, यही काम टेल लाइट का करती है, यही काम साइड इंडिकेटर का करती है। ये नंबर प्लेट लाइट, ये रिफ्लेक्टर। जो टायर साइज की बात करें 60R70 का टायर है, जो कि ट्यूबलेस टायर है, ब्लैक अलॉय जो कि डार्क ब्लैक अलॉय के साथ है। जो इसकी साइज की बात करें काफ़ी हैवी टायर दिया गया है। ये साइड गार्ड सेंटर स्टैंड, ये रियर फुटरेस्ट, ये फ्रंट फुटरेस्ट, 6-speed मैनुअल गियर के साथ है। ये सीट की कुशनिंग देखे तो काफ़ी सीट काफ़ी सॉफ्ट टच है, और थाई देखे तो काफ़ी अच्छा है। ये ग्रैप हैंडल। टैंक कैपेसिटी की बात करें वो 11 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी है। ये रॉयल एनफील्ड की बैजिंग, ये गोरिल्ला की बैजिंग, गोरिल्ला 450 की बैजिंग, जो कि आप देख सकते ब्लैक येलो का कॉम्बिनेशन, जो कि इस बाइक को काफ़ी हटकर बना देता है। कंफर्टेबल स्टाइलिश मिड लेवल बार, जो कि हैंडल है, जो कि आप लॉन्ग रूट पे जाते हो तो शोल्डर कम थकान महसूस होंगे। और अब बात करें मीटर कंसोल्स की, ये देख सकते हैं आप TFT मीटर कंसोल्स विद फुली नेविगेशन केस, मैप नेविगेशन के साथ डिस्प्ले है। न्यूटन ये किलोमीटर, ये हजार लाइट, ये फ्यूल, और ये कितने किलोमीटर चल चुकी है। ये स्टिक है, इसके अनुसार आप मीटर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ये माई व्हीकल सिस्टम इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड्स, कुछ इस तरह की सेटिंग है गाइस मीटर कंसोल्स की। यहाँ से कुछ इस तरह स्टार्ट हो जाती है, साउंड कुछ इस तरह का है, परफॉर्मेंस का पता चलता है। ये राइड मोड, ये कंफर्ट, माय व्हीकल, कुछ ABS नॉन ABS अपना अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ये आप स्टार्ट स्टॉप का बटन है गाइस, और ये आप देख सकते हैं ये फ्रंट डिस्क ब्रेक, ये क्लच, ये लाइटिंग थ्रो या पासिंग लाइट, ये साइड इंडिकेटर, ये हॉर्न, ये चार्जिंग पॉइंट है। आप लॉन्ग रूट पर जाते हो तो अपने मोबाइल को आराम से चार्ज कर सकते हो। USB पोर्ट। फ्रंट से लुक कुछ इस तरह की है, आप ये देख सकते हैं क्वालिटी दर्शाए हुए कि हाँ इस क्वालिटी की बाइक है। तकरीबन के जो वेरिएंट के एक्स शोरूम प्राइस की बात करें वो है 254,000 रुपीज़
एक शोरूम प्राइस है जो कि इन दिल्ली है भाई। जो न्यूली बाइक लॉन्च हुई है जो कि गोरिल्ला 450, इसकी खासियत क्या है आप बताइए। इसकी सबसे बड़ी खासियत कहेंगे हम विकास जी कि छोटा पैकेट बड़ा बनाता है। ओके ठीक है, अगर आप देखेंगे कि बहुत कॉम्पैक्ट सी है और 450 सीसी में आती है। अलग अलग इसमें फीचर्स आते हैं जैसे TFT स्क्रीन आती है इस पे, इसमें गूगल मैप पूरा चलेगा, LED इंडिकेटर्स आते हैं, ट्यूबलेस टायर्स के साथ आती है। ओके ठीक है, LED इसकी हेडलाइट्स आती हैं, ठीक है, और इसके साथ मतलब हर रोड पे आप जा सकते हैं, ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत, मतलब मैं हाई नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें स्पोक व्हील्स नहीं है, बट आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं एज वेल, क्योंकि इसके अंदर वही हिमालयन का 450 cc इंजन आता है जो कि हम हिमालय में देखते हैं। भाई एक चीज़ और पूछना चाहूँगा अभिषेक भाई, जैसे हिमालय पिकअप एकदम पकड़ लेती उसी हिसाब की है, उसी प्लेटफॉर्म पे है या अलग है? ये उसी प्लेटफॉर्म पे है, हिमालय में भी 6-speed गियर इंजन आता है, इसमें भी 6-speed गियर बॉक्स आता है। नहीं एक तो पिकअप एक तुरंत पिकअप लेती है, एक थोड़ा दब के चलती है, उसी हिसाब बिल्कुल भी नहीं खींचेगी सर, बिल्कुल भी नहीं खींचेगी, पूरी पावर दिखाएगी उसी, बहुत पावरफुल बाइक है। ओके मतलब छोटा बम बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ओके और क्या खासियत आई है इसमें जो इसको मतलब एक कम हाइट का बंदा है उसको यूनिकनेस यही है कि हिमालयन की जो सीटिंग हाइट है और वो जो उसकी बल्कीनेस है वो थोड़ी हाइटिंग की प्रॉब्लम होती थी लोगों को। ओके और लोगों को चाहिए था कुछ कॉम्पैक्ट और पावरफुल और न्यू रॉयल एनफील्ड से कुछ नया चाहिए था। ओके तो ये चीज़ हम लेकर के आए हैं और इसके साथ बहुत मजा आया। कुछ आप देख ही पा रहे हो कि इसमें देख सकते हैं जो ग्राफिक है जो और बाइक का कंपेयर करें तो काफ़ी यूनिक है। यूनिक बिल्कुल यूनिक इसमें ग्राफिक्स आते हैं और ये बाइक खुद में ही बहुत यूनिक है। ओके ओके जो इसकी नेविगेशन है सेम वो ये जो हिमालय में हिमालयन जैसी मैंने बताया वही TFT स्क्रीन इस पे आती है। अगर आप REF से कनेक्ट करेंगे गूगल मैप चलाएंगे तो प्रॉपर जैसे आपकी कार की MIDs में चलता है प्रॉपरली इसमें चलेगा। ओके नेम भी डिस्प्ले होता है। ओके ओके अच्छा अब बात होगी बाइक के फीचर की प्राइस की, जो मेन बात है कि किस प्राइस के साथ रॉयल एनफील्ड ने इसको पेश किया। तो विकास जी उसका टॉप मॉडल आता है उसका 254 एक्स शोरूम प्राइस है। ओके दिल्ली यहाँ का, और जो इसका बेस मॉडल आता है उसका एक्स शोरूम प्राइस का तो बुकिंग अमाउंट रहता है विकास भाई वो रहता है 10,000 rupees। सर डाउन पेमेंट ये लगा लीजिए कि कस्टमर के पूरे पेपर पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम तो यहाँ पे बाइक से लगा लीजिए 4,000-5,000 rupees में हैंटर दे रहे हैं। हैंटर बाइक जो हमारी 350 cc आती है 4,000-5,000 rupees में बाइक दे रहे हैं, पूरा डिपेंड करता है उनकी प्रोफाइल पे। ओके ओके कौन कौन से बैंक से फाइनेंस कराते हैं मेन बात? हमारे पास अलग अलग बैंक हैं, IDFC चोला मंडलम L&T फाइनेंस और HDFC सारे बैंक हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट बैंक हैं। ओके ओके बट सिविल अच्छा होना चाहिए, सिविल पेपर सारी बात पेपर पे। ओके ओके पेपर अच्छे होंगे तो जो कि बंदा आराम से आ सके। यहाँ की लोकेशन सबसे नियर बाई रहती है अपना बवाना मोड बोलते हैं इसे। ओके एड्रेस है P3/10 अपोजिट SBI बैंक। SBI बैंक ताकि कोई बंदा आ सके। यहाँ का जो मोबाइल नंबर है वो है 9311777645, एक और नंबर ले लीजिए 9311777646। ओके हॉलीडे का हॉलीडे किसी दिन का भी नहीं है, हम 7 days ओपन है हमारे। ओके ओके थैंक यू सो मच भाई देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, यूँ ही प्यार बनाते रहे विकास पांचाल, लोग देखते रहे ज़्यादा ज़्यादा, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, इस वीडियो को सफल बनाएं, थैंक यू सो मच, बाय।